गुड आफ्टरनून क्लास। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके उत्तर पता हो वो चैट बॉक्स में आंसर करेगा, और जिसको मैं कहूंगी वो अनम्यूट होकर अपने आंसर देगा। छात्रों, रोटी किस आकार की होती है? प्रतिमा, मैम रोटी गोल होती है। वेरी गुड। आधी रोटी किस आकार की होती है? शुभम, शुभम आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रतिमा आप बताइए। मैम आधी रोटी का आकार मैम आधा सर्कल के बराबर होता है। अर्धवृत्त वेरी गुड। छात्रों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? छात्रों, आज हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, विद एग्जाम्पल के साथ। छात्रों, ये बताइए वृत्त किसे कहते हैं? हाँ प्रतिमा बताइए। शुभम, छात्रों वृत्त की आकृति गोल होती है, जैसे प्रतिमा ने बताया था कि रोटी गोल होती है, उसी प्रकार से वृत्त की आकृति भी होती है। उसमें एक इसमें त्रिज्या, व्यास और चाप होता है, और ये हमारा सर्कल मतलब गोल होता है। छात्रों, ये बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? शुभम, प्रतिमा, किसी को पता है? कोई बात नहीं। वृत्त का मैम पाई क्षेत्र, आर स्क्वायर। हाँ प्रतिमा, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर होता है। छात्रों, आज हम लोग अर्धवृत्त पढ़ेंगे। किसी भी वृत्त को यदि उसके व्यास, किसी भी वृत्त को यदि उसके व्यास को दर्शाने वाली रेखा के साथ साथ दो समान भागों में समद्विभाजक विभाग में बांट दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त दोनों आकृतियों में प्रत्येक आकृति अर्धवृत्त कहलाएगी। ये आकार डी के आकार का होता है, जैसा कि नीचे के चित्र में दिखाया गया है। ये जो आकृति है जो हमने अभी पढ़ा, कोई वृत्त होता है उसके व्यास को दर्शाने वाली रेखा, ये जो रेखा है, ये जो पूरी रेखा होती है, ये हमारी व्यास होती है। और जब हम इसका आधा कर देते हैं तो ये हमारी इतना पोर्शन जो होता है ये हमारा त्रिज्या कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार के प्राप्त दोनों आकृतियों में प्रत्येक आकृति अर्धवृत्त कहलाएगी। मतलब जो ये हमारा पूरा गोल होता है उसको जब हम लोग दो भागों में बांटेंगे तो एक जैसे ये भाग दिखेगा, दूसरा ये इस टाइप से भाग दिखेगा। तो दोनों ही आकृति हमारी डी आकार की होती है, जो अंग्रेजी का अक्षर डी होता है उस आकार की होती है, जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं। तो आपको अर्धवृत्त के बारे में पता चला कि अर्धवृत्त डी आकार का होता है। अर्धवृत्त एक आयामी आकृति होती है तथा इसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल की तुलना में आधा होता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तथा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का आधा यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे दो होता है, जहां पाई का मान 22/7 तथा आर वृत्त की त्रिज्या होती है। जैसा हमने इस डायग्राम में देखा था, ये जो पिक है ये हमारा जो पूरा वृत्त होता है गोल आकृति का, उसका आधा भाग है। तो जब हम वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये पाई आर स्क्वायर,
जब वृत्त को हमने आधा किया तो वो अर्धवृत्त हो गया, तो उसी प्रकार जब वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग आधा कर देंगे, मतलब 1/2 × π r² कर देंगे, तो वो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। इसमें जो हमारा पाई का वैल्यू होता है वो होती है 22/7 और जो r होती है वो हमारी त्रिज्या होती है। अर्धवृत्त के कुछ फॉर्मूलेज हैं, सूत्र, जैसा कि पहला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया वृत्त के क्षेत्रफल का आधा भाग मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? छात्रों इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, ये जो हमारा आर स्क्वायर है ये हमारी त्रिज्या है, तो जब अर्धवृत्त की त्रिज्या हम लोग निकालेंगे तो जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का ये जो 2 है ये इधर जाके 2 से गुणा हो जाएगा, जो हमने यहाँ लिखा है अर्धवृत्त गुणे 2 बटे पाई जो है वो नीचे चला जाएगा, तो बटे में पाई। और जो ये हमारा स्क्वायर है जब ये दूसरी साइड जाता है तो ये रूट के फॉर्म में आ जाता है। तो जब हम लोग अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो वो क्या होता है, रूट में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल गुणे 2 बटे पाई होता है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2 r होता है। ठीक है, समझ में आया सूत्र? प्रतिमा? यस मैम। शुभम आपको आ गया? अब छात्रों एक प्रश्न को, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगी वो आंसर देगा। प्रश्न में क्या दे रखा है प्रतिमा बताइए? मैम रेडियस दी हुई है 28 सेंटीमीटर, मैम इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा वेरी गुड, प्रश्न में क्या ज्ञात करना है बताइए प्रतिमा? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हम इसका परिमाप। हाँ वेरी गुड, प्रश्न में अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है? अमिता 28 सेंटीमीटर मैम। हाँ वेरी गुड अमिता। तो छात्रों हमें पता था कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है। हमें रेडियस कितना दे रखा था? 28 सेंटीमीटर। हमको पता है कि जो हमारा पाई का मान है वो 22/7 होता है, तो जो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हुआ वो पाई आर स्क्वायर बटे 2 हुआ, तो पाई का मान क्या है? 22/7 इंटू जो आर स्क्वायर है, तो 28 का होल स्क्वायर बटे 2 कर देंगे, तो ये जो हमारा हुआ 22/7 × 28 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो हम ऊपर लिख देंगे 22 × 28 × 28/7 × 2। क्या आएगा? ये 7 से पहले, ये 7 से 28 जाएगा 4 times गया, और 2 से ये 4 जाएगा 2 times, तो ये हमारा सब इंटू होकर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1232 cm². ये हमारा वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया था कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2 r होता है। ठीक है, हमको पता है कि पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 है और r दे रखा है 28, तो 22 पाई का मान रख दिया हमने और r बराबर दे रखा था 28, तो 22/7 × 28 प्लस 2 × 28, मतलब रेडियस हमें क्या दे रखी है? 28, तो हमने 2 × 28 कर दिया, तो क्या आएगा?
जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7 4 28 होता है, तो 28 को 4, 22 को 4 से इंटू करेंगे तो 88 आ जाएगा, प्लस 28 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारा 56 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्र, अर्धवृत्त का परिमाप क्या आ गया हमारा, 144 सेंटीमीटर। आ गया सबको समझ में क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? प्रतिमा, अमिता, शुभम? यस मैम आ गए। आ गया? यस मैम। छात्रों इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और बताइए कि प्रश्न में क्या दे रखा है। अमिता बताइए क्या दे रखा है प्रश्न में? एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा इसका परिमाप ज्ञात क्या होगा। वेरी गुड अमिता। छात्रों प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिमा आप बताइए। मैम इसका एरिया फाइंड करना है और इसका परिमाप। ठीक है, प्रश्न में अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है शुभम? 28 सेंटीमीटर। हाँ वेरी गुड प्रतिमा। छात्रों अभी हमने पढ़ा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 था। हमें आर की वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पता है हमें पाई का मान क्या होता है, 22/7। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के अनुसार हम लोगों ने पाई का मान रखा 22/7 इंटू रेडियस हमारा आर स्क्वायर है, तो हमने 14 का स्क्वायर अपॉन 2 रखा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 22 × 14 × 14 / 7 × 2। तो हमने 2 से 14 को काटा, 7 टाइम्स आया, और ये 7 से हमने 7 काटा, तो बचा कितना, 22 × 14 वेरी गुड प्रतिमा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हमारा अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2 आर होता है। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 × 14 प्लस 2 × आर की वैल्यू है 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 44। इस 7 से हम लोगों ने 14 को काटा तो 2 आया, 22 × 2 = 44 प्लस 14 × 2 = 28, तो 44 प्लस 28 = 72 आ जाएगा आंसर। छात्रों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 छात्रों अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके उत्तर पता हो वो अनम्यूट होके अपने आंसर देगा। छात्रों ये बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ अमिता बताइए। अमिता अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अमिता? हाँ प्रतिमा आप बताइए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। वेरी गुड प्रतिमा। आप अमिता आपने सुना? हमारे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। छात्रों एक प्रश्न लिखिए, किसी अर्धवृत्त में क्षेत्रफल 308 है तो आर का मान क्या होगा, इसको निकालिए। हमने इससे पहले वाली स्लाइड्स में पढ़ा था जो आर बराबर हमारा त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था ना, इसको निकालिए। किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 308 तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, जल्दी से सॉल्व करिए। किसी को आता है? प्रतिमा कर रही हो?
यस मैम। हाँ करो अमिता, तुम भी ट्राई करो। शुभम पाठक आप हो यहाँ पे? किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 है तो आर की वैल्यू क्या होगी? किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर 308 है तो आर की वैल्यू क्या होगी? हाँ प्रतिमा बताइए। हाँ शुभम पाठक आप बताइए, मैं सॉल्व करती हूँ फिर। किसी ने सॉल्व किया अभी तक? प्रतिमा आंसर मी, सॉल्व हुआ या मैं करूँ? आप मैम सॉल्व कर दीजिए। ओके छात्रों, हमको मेरा क्वेश्चन था कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हमें पता था कि अर्धवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है रूट में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इंटू 2/पाई। ठीक है, ये हमारा इसी से, इस फॉर्मूले से ही निकला है। आर इधर हो जाएगा, क्षेत्रफल ये 2 इंटू में आ जाएगा और पाई अपॉन में चला जाएगा और जो स्क्वायर है वो रूट में आ जाएगा। तो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा था? 308 इंटू 2। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। लेकिन इसमें जो पाई है वो हमारा अपॉन में है, मतलब डिवाइड में है, तो 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 2 से 11 बार में गया और ये 11 से हमारे कितनी बार में जाएगा? 11 × 2 = 22 और 11 × 8 = 88 हो जाएगा। तो 7 × 28 = 196 होता है। ठीक है, तो 196 का रूट क्या आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई। आ गया समझ में सबको? प्रतिमा? यस मैम। यस मैम, आ गया ना? ठीक है छात्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर 21 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो हमारा क्षेत्रफल क्या आएगा? जल्दी से सॉल्व करिए, ये तो इजी है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगाइए। अगर त्रिज्या हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा? शुभम पाठक, प्रतिमा? यस मैं बता रहे हैं। हाँ करो। मैम एरिया इज इक्वल टू 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड अमिता, प्रतिमा सॉरी। छात्रों हमें पता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है और आर हमने बताया कि 21 सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू 22/7 होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 21^2। तो जब हमने इसको इंटू किया तो ये कटने के बाद हमारा ये 2 से 11 टाइम्स जाएगा और ये 7 से 3 टाइम्स जाएगा। तो जब हम इसको इंटू करेंगे तो हमारा 693 आ गया। ठीक है अमिता, शुभम आप लोग को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है छात्रों, अब इस सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। सभी ने नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम।
ग्रह कार्य, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छात्रों ग्रह कार्य को अपनी डायरी पर नोट करें। नोट कर लिया सभी ने? अमिता नोट कर लिया आप लोगों ने? यस ओके धन्यवाद क्लास।